तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ इन्फिनिक्स जीरो अल्ट्रा मोबाइल के बारे में। दोस्तों, अगर आप ये मोबाइल लेने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखो। दोस्तों, इन्फिनिक्स जीरो अल्ट्रा मोबाइल फर्स्ट ऐसा मोबाइल है जिसमें 180 वाट का थंडर चार्जिंग दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, इन्फिनिक्स जीरो अल्ट्रा का प्राइस है 29,990 रुपीज़, जो कि बजट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, अगर आप इसके डिज़ाइन के बारे में बात करो तो ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन का है। ये सिल्वर कलर का है जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसको हैंड में पकड़ सकते हो, काफ़ी मज़ा आने वाला है दोस्तों इस मोबाइल को यूज करके। दोस्तों, अगर इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसका डिस्प्ले बहुत बड़ा आता है। दोस्तों, इसका जो डिस्प्ले है इसमें 6.8 इंचेज का FHD+120Hz अमोल्ड डिस्प्ले है। अगर इसके क्वालिटी के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो कि इसका क्वालिटी बहुत ही सही दिया हुआ है। एक्सेप्ट रेशियो भी इसमें बहुत अच्छा है। दोस्तों, अगर इसके बेजल्स के बारे में बात करें तो इसका साइड बेजल्स और अप बेजल्स काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, इसमें 900 nits ब्राइटनेस दिया हुआ है और आप देख सकते हो इट्स लुक लाइक वेरी वेरी मॉडल मोबाइल। जस्ट लुक एट दिस मोबाइल इज वेरी मॉडल। दोस्तों, अगर इसके पॉट्स एंड बॉटम के बारे में बात करें तो इसमें 3.5 mm का जैक नहीं आता है, जो कि इसमें एक मिसिंग है। दोस्तों, इसके सिम कार्ड के बारे में बात करें तो एट लुक दिस डुअल नैनो सिम कार्ड दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो इसका मीडिया टेक डायमेंसिटी 926 nm दिया हुआ है, जो प्रोसेसर के अपर में आता है, जो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, इसमें 4500 MHz बैटरी है, 180 वाट का चार्जिंग सपोर्ट करता है, जो बेसिक है 18 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। दोस्तों, ये सुपर फास्ट चार्जिंग मोबाइल है, जो काफ़ी अच्छा है। इसमें 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज दिया हुआ है। दोस्तों, इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, फेस लॉक भी है। दोस्तों, इसके कैमरा के बारे में बात करें तो 200 MP प्लस 13 MP का अल्ट्रा वाइड है, प्लस 2 MP का माइक्रो कैमरा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसमें से फोटो भी बहुत अच्छा आता है। दोस्तों, इस 32 MP का फ्रंट कैमरा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, मुझे ये मोबाइल बहुत ही अच्छा लगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको भी ये मोबाइल अच्छा लगा हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।